प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के सिविल इंजीनियरिंग सेवा में सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। बरसुआ लौह खदान में दो दिवसीय पार्श्वांचल फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 संपन्न। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री महापात्र नीलामणि साहू। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिविल इंजीनियरिंग सेवाएं विभाग CES में 11 दिसंबर 2021 को एक सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री RN राजेंद्रन समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी CES श्री JY सपकाले, सहायक महाप्रबंधक IED श्री BK बेहरा, विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री राजेंद्रन ने सृजनी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सराहना की और सभी को संयंत्र के समग्र लाभ के लिए नवीन विचारों और सुझावों के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री BK बेहरा ने विभाग में सृजनी सृजनशील योजना की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। कुल 17 सुझावों को पुरस्कृत किया गया और शेष बचे सुझावों को कार्यान्वित किया जाना बाकी है। मेले के दौरान 50 से अधिक नए सुझाव प्राप्त किए गए। वरिष्ठ प्रबंधक CES श्री PK भुइया ने कार्यक्रम का संचालन किया। बरसुआ लौह खदान के इस्पात खेल मैदान में दो दिवसीय पार्श्वांचल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जो 17 दिसंबर को संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में कुल 28 टीमों ने भाग लिया। मैच दो स्थानों पर खेले गए, अर्थात बरसुआ इस्पात स्टेडियम जिसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया और टेंसा इस्पात स्टेडियम जिसमें 16 टीमें मैदान में थीं। फाइनल मैच बरसुआ के विजेता खंडाधार टीम और टेंसा के विजेता कादोडीहा टीम के बीच खेला गया। कादोडीहा की टीम खंडाधार की टीम को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट की चैंपियन बनी। मुख्य महाप्रबंधक BIM और TIM श्री प्रसन्ना कुमार रथ समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर टूर्नामेंट के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। चैंपियन को एक ट्रॉफी और 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि उप विजेता टीम को एक ट्रॉफी और 8,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिला। 5,000 और 3,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्राप्त करते हुए क्रमशः दम आलू की टीम तीसरे स्थान और टीम 0 पॉइंट चौथे स्थान पर रही। टेंसा की सरपंच सुश्री अनीता पूर्ति इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि थी। इस अवसर पर उड़ीसा खान समूह के अन्य अधिकारी, स्थानीय प्रशासन और कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन बरसुआ खदान के कर्मचारियों द्वारा किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री महापात्र नीलामणि साहू। श्री महापात्र नीलामणि साहू का जन्म 22 दिसंबर 1926 को कटक जिले के नियाली गांव में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उड़िया साहित्य में व्याख्याता के रूप में की थी। स्वतंत्रता के बाद से उन्हें ओडिशा के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में से एक जाना जाता है। उनके रचनात्मक कार्य में आकाश पटाटा एक कहानी पुस्तक है, जिसके लिए उन्हें 1979 में ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी पुस्तक अभिशप्त गंधर्व के लिए उन्हें 1983 में सरला पुरस्कार मिला और 1984 में उन्हें उसी पुस्तक के लिए केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ओडिया भाषा और साहित्य के संवर्धन में उनके योगदान के लिए उन्हें कई संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया था। 26 जून 2016 को उनका निधन हो गया। आज के समाचारों में इतना ही। नमस्कार।